नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में जन्मे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने कबाड़ के धंधे से छोटा व्यापार शुरू कर माइंस और मेटल की दुनिया में एक गौरव हासिल किया। इस व्यक्ति ने 15 साल की उम्र में अपने पिता के बिजनेस के लिए स्कूल छोड़ दिया और मुंबई जाकर पिता के बिजनेस के साथ हाथ बटाने लगे। आज हम बात करेंगे स्क्रैप डीलर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करने वाले वेदांता रिसोर्सेज के मालिक अनिल अग्रवाल के बारे में। इन्होंने अपनी दौलत का 75% हिस्सा भारत में बेहतर शिक्षा के लिए दान देने की घोषणा करके सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। अनिल अग्रवाल का जन्म 24 जनवरी 1954 को पटना के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता द्वारिका प्रसाद अग्रवाल लोहे की जाली और गेट बनाने का कारोबार करते थे। अनिल अग्रवाल ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब मैं 6 साल का था तो मुझे 10 किलोमीटर दूर स्कूल में पैदल जाना पड़ता था। फिर पिताजी ने मुझे एक साइकिल गिफ्ट कर दिया। वो मेरे जीवन का सबसे रोमांचकारी पल था। अनिल अग्रवाल ने 1972 में स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी। उसके बाद वे अपने परिवार की सहमति से वे कॉलेज छोड़कर पिता के कारोबार में हाथ बटाने का विचार किया। 1975 में वे 19 साल के थे, तब उन्होंने पढ़ाई छोड़कर मुंबई में कारोबार करने के लिए चल पड़े। मुंबई जाने के बाद उन्होंने बहुत सारी खोजबीन की और रिसर्च किया। इसके बाद उन्होंने 1976 में वेदांता रिसोर्सेज के नाम से कंपनी की बुनियाद रखी। उनका पहला दफ्तर कलवा देवी में बहुत छोटा था, जिसमें मुश्किल से 3 आदमी बैठ सकता था। उन्होंने फोन भी उधार पर ले रखा था। वे अपनी कंपनी के शुरुआती दिनों में स्क्रैप खरीदते थे और मुंबई में बेचते थे। उन्होंने तकरीबन 10 सालों तक यही काम किया और अपना व्यापार बढ़ाने के लिए बैंक से कर्ज लेने के बारे में सोचा, लेकिन उन्हें बहुत भटकने के बाद सिंडिकेट बैंक से 50,000 का कर्ज मिला। एक इंटरव्यू में उन्होंने बैंक से लोन लेने के दिनों को याद करते हुए कहा कि उन दिनों मेरा आधा समय सिंडिकेट बैंक में ही बीतता था। मैं बाहर बैठा बैठा शीशे से मैनेजर का चेहरा झांकता रहता था। यदि उनके चेहरे पर उस समय मुस्कान होती तो मैं समझ जाता कि उससे 50,000 का चेक क्लियर करने के लिए गुजारिश करने का यह सबसे माकूल समय है। अनिल अग्रवाल के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। साल 2003 में भारत में कारोबार का माहौल बहुत अच्छा नहीं था, तो वे निराश होकर लंदन चले गए। लंदन एक ऐसी जगह है जहां दुनिया की सबसे बड़ी खनन और धातु कंपनियों का मुख्यालय है, जहां जाने के बाद उनकी कंपनी का चेहरा ही बदल गया। अनिल अग्रवाल लंदन के दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि कोई ताकत थी जिसने वह दूरी तय करने में मेरी मदद की। उन्होंने कहा कि वहां मेरी मुलाकात ब्रायन गिलवर्टन से हुई, जो कुछ दिनों के बाद हिंदुस्तान आए। उन्होंने मेरी तमाम परिस्थितियों का आकलन किया और उससे प्रभावित हुए। मैंने उन्हें एक बेहतर पैकेज ऑफर किया और फिर वे हमारे चेयरमैन बन गए। अनिल अग्रवाल ने सभी को चौंकाते हुए साल 2003 में वेदांता समूह को सफलतापूर्वक लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया और $876 जुटाए। इसके साथ ही वेदांता लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई, बल्कि एक दशक से भी कम समय में खनन और धातुओं में वैश्विक स्थान बनाने वाला पहला भारतीय व्यापार समूह बन गया। आपको बता दें कि अनिल अग्रवाल को 21 साल की आयु में शादी हो गई थी। उनकी शादी किरण गुप्ता से हुई, तब किरण गुप्ता की आयु 16 साल थी। छोटी उम्र में शादी होने के बाद भी आज तक इनका दंपत्य जीवन आनंद में चल रहा है। वर्तमान में वो लंदन में रहते हैं। अनिल अग्रवाल के 2 बच्चे हैं, बेटे का नाम अग्निवेश है तो ही बेटी का नाम प्रिया है। साल 2014 में अनिल अग्रवाल ने अपने परिवार की सहमति के बाद ऐलान किया कि वह अपनी कमाई का 75% रकम भारत में निःशुल्क शिक्षा के कई बड़े प्रोजेक्ट में दान देना चाहते हैं। वे भारत में ऑक्सफोर्ड से भी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं जो नॉन प्रॉफिट नो लॉस के नियम पर चलेगी। अग्रवाल ने कहा कि वह कई वर्षों से चैरिटी की दिशा में बढ़ रहे थे और आखिरकार परिवार की सहमति के बाद वह देश को यह रकम समर्पित करने में सफल हुए। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार अनिल अग्रवाल द्वारा दान की यह राशि करीब 21,000 करोड़ रुपये है। यह राशि अब तक किसी भी भारतीय के द्वारा दान की जाने वाली सबसे बड़ी रकम है। संडे टाइम्स रिच लिस्ट 2020 में अनिल अग्रवाल की कुल संपत्ति 8.5 बिलियन पाउंड आंकी गई थी। अनिल अग्रवाल ने कहा था कि किसी भी असंभव लगते लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि पहले आप अपने लक्ष्य की कल्पना करें, फिर चीज़ों का आकलन करें और उसके बाद पूरी प्रतिबद्धता के साथ गोल हासिल के लिए मैदान में उतर जाएं।
कारोबारी दुनिया का ऐसा निरंतर चलने वाला खेल है जिसमें कोई हमेशा नंबर वन या दो नहीं हो सकता। हमारा लक्ष्य हमेशा यही होना चाहिए कि हम अपनी क्षमताओं का अधिकतम विस्तार करें। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई हस्ती के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।